राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक ऐसा शहर है कोटा, जिसे शिक्षा नगरी के तौर पे जाना जाता है। लेकिन इस शिक्षा नगरी में कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं जो हसीन शब्द मैं यूज़ करूँगा, प्रयोग करूँगा। तो ऐसा हसीन नज़ारा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कह नहीं रहा हूँ ऐसा है, प्लीज़ आप वहाँ दिखाइए एक बार। ये चंबल नदी है, चंबल नदी के ठीक ऊपर जो है हैंगिंग ब्रिज है। एक बार आप खुद देखिए, आपके मुंह से आपके दिमाग में एक ही शब्द घूमेगा, क्या हसीन नज़ारा है, क्या विहंगम दृश्य है। और इतना पानी मिल सकता है इस समय में, ये भी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और जैसे ही मैं इधर आया गार्डन में, और सबसे पहला जो मेरी सबसे पहली जब मेरी नज़र पड़ी, तो यही दिमाग में आया कि यार इतना ज़बरदस्त नज़ारा, मतलब अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ होती वो मेरे लिए यहाँ पर थी। और कोटा का ये जो है चंबल गार्डन है, और चंबल गार्डन के अंदर काफ़ी सारे लोग इस समय आए हुए हैं, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ट्रेन टॉय जो होती है, ठीक है, वो भी है कुछ, और भी तरह के जो कह सकते हैं झूले वगैरह हैं, और हर तरह के पेड़ भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, तरह तरह के फूल हैं, और एक बहुत अच्छा बागान मैं इसे कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ वो यहाँ पर है, जो मुझे सच में ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही 5 रुपए में इतना सब कुछ जो हमें मिल रहा है, वो सबसे एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा वो रहा कि 5 रुपए में आपको जो है यहाँ पर एंट्री मिल रही है, और एक ऐसा पूरा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से आप रिवर के और हैंगिंग ब्रिज, क्योंकि राजस्थान का मेरे ख्याल से एक या फिर दो हैंगिंग ब्रिज हो सकते हैं, या हो सकता है ये कहीं ना कहीं दूसरा कहीं बन रहा हो, और मेरे ख्याल से ये पहला तो है ही है। और इंजीनियरिंग के कई नमूने हैं, जैसे कि सेवन वंडर्स का गार्डन है, और ये हैंगिंग ब्रिज तो अपने आप में है ही है। और यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ कि जो ट्रेन टॉय बनी हुई है, यहाँ देखिए पटरियाँ हैं इसकी, सर इधर दिखाइए एक बार प्लीज़। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर वे में बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है। पूरा जो स्ट्रक्चर है गार्डन का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए तो हम बात करते हैं रामानंद जी से। रामानंद जी, आप भी थोड़ा बताइए अपना एक्सपीरियंस। सर, मैं कोटा शहर में पहली बार आया हूँ और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना अच्छा लग रहा है इस गार्डन में आके, और आनंद की अनुभूति हो रही विश्वास है तो मैं खुद भी नहीं कर पा जी। रहा और ये जो सनसेट पॉइंट आपने बताया, इस सनसेट पॉइंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि नज़र हटा ही नहीं सकते, इतना आनंद की अनुभूति हो रही है। और बाकी और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करते और हैं। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि चंबल नदी इस समय में, इस क्योंकि इस समय जितनी भी नदियां हैं, मैं अभी आपको बताऊं कि भुवनेश्वर जाके आया, वहां पर भी नदियां सूख चुकी है। कोटा मतलब राजस्थान जैसे राज्य में, कोटा जैसे शहर में, चंबल जैसी इस तरह की नदी जो कि बरसाती नदी है, उसमें इतना पानी और इस फ्लो में बह रहा है, ये रियली में एक अट्रैक्शन है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा है जो नए लोग आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन बात नहीं है जी कि बिल्कुल। आप हमारे पास जो नदी है वो इस फ्लो में बहे, और जो भी इसका नज़ारा बन पा रहा है, जो विहंगम दृश्य बन पा रहा है, वो इस नदी के बेसिस पर ही बन पा रहा है, ठीक है। जुगल जी, एक बार आप भी, हाँ बताएं। आप बताइए सर कि कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे आके। देखिए, हम तो इस जिले से आए हैं जी जहाँ नदी नहीं है। जी राजस्थान के दो जिले हैं जिसमें जी चूरू और बीकानेर शामिल है, जहाँ नदी नहीं है, वो जल का अभाव है। और यहाँ आके प्रकृति की सुरमय गोद में बड़ा आनंद आ रहा है, और हृदय को मतलब वो भाव मिल रहा है, उतना हृदय प्रसन्नचित है जो इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और प्रकृति की इतनी सुंदरता जो हमें नदी पेड़ों के माध्यम से जो मिलती है, वो नयना विराम है और आंखों को आनंद देने वाली है। निश्चित तौर पे कई पाश्चात्य संस्कृति का भी प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें कह सकते हैं कि सुरमय गोद के सामने इनका जो रंग है हम पर नहीं जमेगा। सही बात है। तो ये पूरा रोग मैं कह सकता हूँ कि चंबल गार्डन था, और इसके साथ सेवन वंडर्स गार्डन भी कोटा का बहुत फेमस है। आप तो पीछे आप मेरे देखिए, रिवर फ्रंट आपको दिखेगा, पूरा फ्रंट बना हुआ है एकदम अच्छे से यहाँ इस साइड से। सर, इसकी ये जो गार्डन है, सर,
तो इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन जो शायद नए लोगों को नहीं पता होती? स्पेसिफिकेशन यही है सर, इसका एक ब्रिज क्रॉस करके एक और दूसरा गार्डन है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर क्या है, देखो एक तो डायनासोर का म्यूजियम वगैरह ये पार्क भी दिख जाएगा आपको देखने के लिए, और प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक ट्रेन का व्यू और भी मिल जाता है। जैसे अपन स्टार्टिंग में देखते हैं तो वहाँ पर ट्रेन भी मिल जाती है आपको, तो भी अच्छा है। और सबसे मेन चीज़ तो आपको ये चंबल, जैसे अगर आप देखो बोटिंग भी हो रही है, बोटिंग वगैरह बिल्कुल अच्छी होती है, तो आप चेक कर सकते हैं आगे, वो भी है ना, चंबल का भी नज़ारा बहुत अच्छा रहता है, वाटर का वो भी बहुत बढ़िया। तो ये बोटिंग के लिए कहाँ से आपको लेना होगा? टिकट विंडो है सर, सामने फ्रंट के ऊपर ही टिकट विंडो है, वहाँ से हो जाता है, एक विंडो वहाँ पर लगी हुई है जैसे आप देख रहे हैं। कितने रुपए की प्राइस यहाँ होती होगी? वो मैक्सिमम पहले थी आपके, अभी तो काफी टाइम से बैठे भी नहीं। चलो चलिए हम पता करते, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका नाम सर? फैज नाम है मेरा, मोहम्मद फैज। थैंक यू फैज जी, थैंक यू। जल्दी आगे बढ़ते हैं, एक बार फ्रंट को अच्छे से एक बार हम देखना चाहेंगे कि किस तरह का फ्रंट है। वहाँ से फ्लो पता चलेगा कि पानी का फ्लो कितना है। चंबल नदी अच्छे फ्लो में बह रही है। आमतौर पर जो बरसाती नदियों का फ्लो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, और ये बोटिंग के लिए काफ़ी आइडियल सिचुएशन है। ऐसी फ्लो वाली रिवर में जब हम बोटिंग करते हैं तो और भी मज़ा आता है, आनंद आता है उसमें। और ऐसे फ्लो वाले वाटर में मछलियाँ भी जो है अच्छी ताज़ा रहती है। मुझे नहीं पता कि कोटा के लोग कितने शाकाहारी हैं या फिर मछली का यूज़ करते हैं नहीं करते खाने में। और सामने फैक्ट्रीज भी है, आप देख पा रहे हो कि फैक्ट्रीज है, धुआं निकल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, लेकिन शायद ये इंडस्ट्रियल एरिया होगा मेरे ख्याल से, आगे बहुत सी फैक्ट्रीज थी उधर। और यहाँ पे मुझे लगता है कि टिकट घर बना हुआ है बोटिंग के लिए, लिखा हुआ है पुराना नाम लिखा है कि एक वीडियो में मुझे नहीं लगता दिखा पाना इतना आसान रहेगा। जुगल जी हमें बताएंगे आगे का। अभी हम कोटा के चंबल गार्डन में हैं, और निश्चित रूप से ऐसे गार्डन यहाँ शहर के लोग जो आप समझ नहीं सकते, शहर के लोगों की ज़िंदगी क्या होती है, न उनको प्रकृति की शुद्ध हवा मिल पाती है, और ये एक समय व्यतीत करने आते हैं। और निश्चित रूप से कुछ फूड लोग भी यहाँ पर आते हैं जो हमारी संस्कृति को एक तरीके से कहें तो हम शब्द नहीं है, उनको ख़राब कर रहे हैं संस्कृति, लेकिन उन लोगों से हमारी संस्कृति ख़राब होने वाली भी नहीं है। हमारी संस्कृति बड़ी विशाल है, विराट है, और बड़ा स्वरूप लिए हुए है। और यहाँ पक्षियों की भी आवाज़, आप पक्षियों का भी कलरव आप सुन पा रहे हैं। निश्चित रूप से जिन्होंने पेड़ लगाए हैं, और हम यहाँ पर पेड़ों के नीचे आके आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन कभी हम ये सोचते नहीं है कि इतने अच्छे पेड़ हम लगा सकते हैं, हम हमारे घर में लगा सकते हैं, खेत में लगा सकते हैं, लेकिन पेड़ लगते हैं सर, सोशल साइट पर इतने पेड़ लगते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों पेड़ पर्यावरण दिवस पर लग जाते हैं। लेकिन यहाँ हकीकत है, और भी हम आगे चल रहे हैं, और झरना, कृत्रिम झरना यहाँ पर बनाया गया आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ बनावटी हो गई है, दिखावटी हो गई है, क्योंकि बनावट है तो दिखावट है, दिखावट है तो बनावट है। यहाँ प्रकृति का एक कृत्रिम झरना भी यहाँ पर बनाया गया, और यहाँ तस्वीरों की जिंदगी आजकल चली रही है, हम यहाँ देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से ये झरना बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक झरना, और यहाँ लोग आनंद ले रहे हैं, और निश्चित रूप से इनको आनंद आता है यहाँ घूमने में। बोटिंग के लिए जरूर चलेंगे, और निश्चित रूप से हम प्रकृति के सुर में गोद में बोटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ सार साहब, यहाँ पर धुआं भी निकल रहा है, इंडस्ट्री एरिया भी है यहाँ पर, और ये पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं जिसमें धुआं, भयंकर धुआं कह सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये धुआं आप देख पा रहे हैं चंबल गार्डन के पास, जहाँ लोग प्रकृति की सुरमय गोद में घूमने आते हैं, वहाँ पर ये प्रदूषण ग्रहण करने आते हैं। आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरा मैन से निवेदन करूँगा कि किस तरह फैक्ट्रियों से, कल कारखानों से निकलने वाला ये धुआं, ये मनुष्य के शरीर में नुकसान पहुँचाता है, कहीं ना कहीं प्रकृति की सुरमय गोद को जिस प्रकार हम दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं वो बड़ा चिंताजनक है, शर्मनाक है। और निश्चित रूप से राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ऐसी जगह से दूर रिको इंडस्ट्री एरिया स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और प्रकृति में आनंद लेने आते हैं, और यहाँ पर आके धुआं
ग्रहण करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ का लोगों का आने का वास्तविक उद्देश्य, क्योंकि ये जो धुआं जिस गति से निकल रहा है तो उससे बड़ा नुकसान मनुष्य के शरीर में फेफड़ों को हो रहा है, और कहीं ना कहीं तो हम मानते भी हैं कोरोना काल के बाद में कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन है। पहले लोगों को पता ही नहीं थी कि ऑक्सीजन होती है क्या, फिर ऑक्सीमीटर से हमने पता किया कि ऑक्सीजन है। निश्चित रूप से आप ये, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो सुंदर दृश्य है आप, हाँ ये कमाल हो गया यार। ये स्टेच्यू नहीं है, ये ओरिजिनल है। क्या नाम है? गणेश। गणेश जी कहाँ से हो आप? कोटा से, विद्यानगर। विद्यानगर, कितने सालों से इस कला से आप लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए? सर अभी वर्ष नहीं हुआ, एक महीना हुआ है। एक महीना हुआ है, तो ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मैंने यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब पे मुंबई में भी है ऐसा ग्रिजेश गौर करके, तो कर रहे थे, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा अपने कोटा में भी ऐसा कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि कोटा में है नहीं है। कोटा में नहीं है ना, आपने नवाचार किया। और वैसे एजुकेशन क्या आपकी? 12th पास हुआ। 12th पास हो, क्या सब्जेक्ट रहे हैं आप? मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स था। आर्ट्स, आर्ट्स ये वास्तविक आर्ट्स है, कला विषय सबके पास होता है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में, आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार की मूर्ति की तरह खड़े, ये जो पुतला आप समझ सकते हो, पुतला समझ सकते हो जिसमें कुछ भी नहीं पता है। और हमें, हमारी संगत जी से बात करूंगा, दिल्ली इन्होंने मीडिया इंस्टीट्यूट पे ये वर्क कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहोगे आप वास्तविक? मैंने भी जब दूर से देखा तो मुझे आवाज था, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, जब मैं इनके पास में खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था तो मेरी नज़र गई इनकी आंख की ओर, जब इनकी आंख खिल रही थी तब पता चला कि अच्छा ये तो स्टैच्यू है, ये मतलब स्टैच्यू नहीं है, बाकी मैं इसको स्टैच्यू कंसिडर कर रहा था। ये आप देखिए वास्तविक ये स्थिति, मैं देखिए ये आप महसूस कर रहे हैं, ये आपको पूर्णतया पाषाण प्रतिमा की तरह लग रहा है। हम यहाँ और लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। सर कहाँ से आए हो आप? हम सर एमपी से। एमपी से? एमपी से भोपाल। अच्छा भोपाल से आए हो, यहाँ कोटा घूमने आए हो कोई काम से? घूमने आए सर, कोटा घूमने आए हो? हाँ कोटा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से कुछ मात्र शक्तियाँ उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आप भी कोटा से आए हो? नहीं एमपी से। भोपाल से आए हो आप? इनके साथ क्या करते हो आप? इनकी वाइफ। क्या काम करते? कोई काम नहीं, हाउस वाइफ। ऐसा नहीं है, कोई काम नहीं है, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे पोस्ट बड़ी पोस्ट है वो हाउस वाइफ है। आप कोई पूछे ना तो कभी ये नहीं कहना कुछ नहीं करती, बोलता हूँ पूरे घर संभालती हूँ, गृहमंत्री मंत्री हूँ, गृहमंत्री है बहुत है, गए गृहिणी बहुत बहुत है बहुत। हाँ क्या नाम आपका? आर्यभद्र। आर्यभद्र सोलंकी, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अच्छी वाली का। कौन सी क्लास में? अच्छी वाली का। जो पोएम सुनाओगे? पोएम सुनाओगे? हाँ सुनाओ। अच्छी वाली पोएम सुना दो कोई। तो इतनी उबल दे। हाँ सुनाओ। ये पुतला कैसा है? तू हल्का रहा है। सुनाओ पोएम सुनाओ। मारता कौन है, मम्मी या पापा? नहीं। अच्छा और स्कूल में टीचर डराते हैं आपको? डराते हैं। डराते हैं? कौन से टीचर, क्या नाम है? मेरा नाम है टीचर। टीचर डराते हैं आपको? निश्चित रूप से ये आप देख पा रहे हैं ये पुतला है, और बच्चे इनके साथ अटखेलिया कर रहे हैं, मासूम बच्चे हैं, और वास्तव में इनकी कला बहुत ही शानदार है और अच्छी कला है। हम इनकी कला को सैल्यूट करते हैं, और बहुत ही शानदार इनका जो कार्य है निश्चित रूप से बहुत अच्छा है इनका। और जो लोग इससे प्रेरणा ली जा सकती है इनसे, जो लोग बेरोजगारी का रोना रोते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, वो लोग इनसे बहुत बढ़िया प्रेरणा ले सकते हैं। निश्चित रूप से इन भाई साहब के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करते हैं। और आप में देखिए कला ये छोटी चीज़ नहीं है, ये एक जिंदा इंसान है, और फिर हिल भी नहीं रहे हैं, इनसे बातचीत और भी करेंगे थोड़ी सी। सर कोटा से हो प्रॉपर जी? अब आप चौंक गए होंगे कि यार ये इंसान बोल कैसे रहा है, ये इंसान इसलिए बोल रहा है पुतला नहीं है। और भी बच्चे उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा? मायरा। मायरा, मायरा कौन सी क्लास में पढ़ती है? थर्ड में। मायरा को कौन सी पोईम आती है हिंदी की? हिंदी में कविता? इंग्लिश मीडियम में हो? भारत के प्रधानमंत्री कौन है?
इंग्लिश मीडियम हो, राजस्थान के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर? रो मत, आराम से बोलो, सोच के बोलो। नहीं बता, ये स्थिति है हमारी शिक्षा पद्धति की। बच्चों को बोल्ड नहीं बनाया जा रहा है, किताबों में धकेला जा रहा है। निश्चित रूप से ये स्थिति, और भी लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ प्रकृति की सुरमय गोद में आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो नदी, चंबल नदी का भाग आप देख पा रहे हैं, ये और चंबल गार्डन, ये पूरी प्रकृति, आप पेड़ों को आप देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रजाति के यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ जो मैं स्थिति दिखाना चाहूंगा, कैमरा मैन से निवेदन करूंगा, ये है हम इंडियंस। देखिए, हम भारतीय, सच्चे भारतीय हैं ये। आप ये देख पा रहे हैं पॉलीथीन, हम यहाँ आते हैं शोक के लिए और यहाँ पर पॉलीथीन खा पी के फेंक देते हैं और दोष देते हैं साहब सरकारों को, दोष देते हैं प्रशासन को, और हम यहाँ खुद ये गंदगी इसमें यहाँ फेंक रहे हैं। आप देखिए, कैमरा मैन से निवेदन करूंगा, चंबल गार्डन की स्थिति आपको बता रहा हूँ। इन लोगों को मैं तो ये कहूंगा, अगर आतंकवादी कहें तो कोई गुनाह नहीं है, आतंक फैला रहे हैं ये। जो व्यक्ति भारत के संविधान को नहीं मानता, जो व्यक्ति भारत के कानून को नहीं मानता, वो मैं कहता हूं आतंकवादी से खतरनाक है। और ये प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोग तो महा आतंकवादी हम उन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने इस प्रकृति की सुरमय गोद को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। Please like, share and subscribe and don't forget to